फ्रेंड्स अभी हम लोग हाइपरटेंशन के ट्रीटमेंट में डायबिटिक्स का रोल देख लेते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। ये डायबिटिक्स जो है हम लोग कॉम्बिनेशन ड्रग्स में देने हैं, कॉम्बिनेशन में ड्रग्स में भी दे सकते हैं, अलग भी दे सकते हैं, लेकिन कॉम्बिनेशन ड्रग में दिया तो अच्छा वो यूज़ करते हैं। जो एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट वगैरह है ना, ऐसे में डायबिटिक्स ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो हम लोग उसका अभी देख लेते हैं डायबिटिक्स किस में पेशेंट में देने हैं, किस पेशेंट में नहीं देने, ठीक है। जो डायबिटिक्स है ना ये ओल्डर पेशेंट में दे सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। जो यंग अडल्ट वगैरह रहते हैं ना, जो 50 प्लस वगैरह पेशेंट है, वैसे में ये ओल्डर पेशेंट में दे सकते हैं। जो आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन है, ये आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन मतलब सेकेंडरी जो उसका एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट के साथ ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में ये देना है फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए आइसोलेटेड सिस्टोलिक हाइपरटेंशन में उसका अच्छे तरह से रोल होता है। ओबेस है, वॉल्यूम ओवरलोड पेशेंट है, वॉल्यूम ओवरलोड पेशेंट में भी जो उसका फ्लूड ओवरलोड कम करने के लिए ऐसे पेशेंट में ओबेस पेशेंट में देके यूज हो सकता है अच्छे तरह से, ठीक है। जो लो कॉस्ट थेरेपी है उसे कॉस्ट भी कम है, इसलिए अच्छे तरह से यूज कर सकते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं कौन से पेशेंट में नहीं देना फ्रेंड्स। गाउट जैसे पेशेंट में और जिसको फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट वगैरह है ना, ऐसे पेशेंट में डायबिटिक्स देने नहीं है, क्योंकि क्या होता है डायबिटिस ये यूरिक एसिड को एग्रेवेट करता है, ठीक है। डायबिटिस क्या होता है, रिटेन यूरिक एसिड बढ़ता है और जो गाउट वगैरह है ना, ऐसे गाउट ऐसे डिसीज को एग्रेवेट करता है, इसलिए गाउट एंड फैमिली हिस्ट्री ऑफ गाउट ऐसे पेशेंट में डायबिटिस देने नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। जो अबनॉर्मल लिपिड प्रोफाइल है ऐसे पेशेंट में भी ये देने नहीं है, क्योंकि ये लिपिड प्रोफाइल को हैम्पर कर देता है, ठीक है। जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है ना, ऐसे पेशेंट में भी ये देना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है, क्योंकि उसको ऑलिगोमेटोमिनास वगैरह ऐसे चांसेस हो सकते हैं, इस पेशेंट में प्रेगनेंसी में इसे देना नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। जो डायबिटीज है थियाजिक डायबिटीज हम लोग देखते जनरली थियाजिक में, हाइड्रोक्लोरोथियाजिक फेमस है, ठीक है। हाइड्रोक्लोरोथियाजिक 12.5 और 25 mg ओडी में देते हैं, ठीक है। ये जनरली जो एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट है ना, लोसार्टन है, टेलमिसार्टन है, जो इसमें कॉम्बिनेशन थेरेपी में ये हम लोग यूज़ करना है फ्रेंड्स, ठीक है। ये हो गया डायबिटिक्स फ्रेंड्स। कुछ स्पेशल ड्रग्स है हाइपरटेंशन के लिए, ठीक है, जो है अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह है फ्रेंड्स। जनरली अल्फा ब्लॉकर्स कब यूज़ करते हैं, जब हमारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट, बीटा ब्लॉकर्स, ऐसे पेशेंट में मतलब ऐसे ड्रग्स देके भी पेशेंट का समझो बीपी कवर नहीं होता है, तो एक आखिरी चांस रहता है, मतलब ये अल्फा ब्लॉकर्स वगैरह देते हैं पेशेंट, फिजिशियन जनरली ये सबसे आखिरी में रखते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। अल्फा ब्लॉकर में सबसे प्राइजोसिन सबसे फेमस है, ठीक है। प्राइजोसिन 2.5 mg/5 mg में अवेलेबल रहता है फ्रेंड्स, ठीक है। प्राइजोसिन ये अच्छे तरह से वर्क करता है। अल्फा ब्लॉकर कौन से इसमें फॉर्म अल्फा ब्लॉकर कैसे वर्क करते हैं फ्रेंड्स। जो अल्फा है ना, अल्फा रिसेप्टर्स क्या करते हैं, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूटेनियस वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन। अल्फा इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर क्यूटेनियस वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन। जब हम जो अल्फा ब्लॉकर ब्लॉक करते हैं तो क्या क्यूटेनियस वैजोकॉन्स्ट्रिक्शन क्यूटेनियस वैजोडायलेशन होता है और अपना बीपी कम, वैजोडायलेशन होकर बीपी कम होता है, ठीक है। प्राइजोसिन 2.5 mg/5 mg ओडी में देते हैं। प्रेफरेबली डायबिटिक और बेनाइन हाइपरप्लाजिया प्रोस्टेटा पेशेंट में, डायबिटिक और बीपीएफ पेशेंट में ये अच्छे तरह से वर्क करता है, ठीक है, ये यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स। कभी भी प्राइजोसिन स्टार्ट करना है ना तो 2.5 mg से स्टार्ट करना है। प्राइजोसिन कभी भी स्टार्ट करते हैं तो 2.5 mg से स्टार्ट करते हैं और जनरली इनिशियल डोज उसका रात में देते हैं, क्योंकि इसका सडन पोस्टरल हाइपरटेंशन वगैरह मतलब बीपी सडन फॉल हो जाते हैं, कम होता है, इसलिए पेशेंट को आदत नहीं रहती। हम जो पेशेंट का कॉन्स्टेंटली बीपी 200 180 वगैरह सिस्टोलिक रहता है, डायस्टोलिक 90 100 ऐसा रहता है, और ऐसे पेशेंट को हम लोग प्राइजोसिन सब स्टार्ट कर दिए तो क्या होता है, इसलिए पेशेंट को सडन बीपी समझो 140 पे आ जाता है, लेकिन पेशेंट को 140 की बीपी की आदत नहीं रहती ना, इसलिए पेशेंट को समझो सडन गिडीनेस वगैरह होता है, चक्कर आने वगैरह आने लगता है, ठीक है। ऐसे पेशेंट में फिर इनिशियल डोज स्टार्ट करना है प्राइजोसिन का 2.5 mg स्टार्ट करना है और ये जनरली रात को देना है, स्टार्टिंग में जनरली 2.5 mg एंड इट शुड बी गिवन इन नाइट डोज, ठीक है। ये एक मजेदार केस है फ्रेंड्स। हम लोग कैसा है, हमने आईपीडी में पेशेंट था, आईपीडी में पेशेंट उसको स्पेलिसी टेलमेसार्टन प्लस एमलोडिपिन का कॉम्बिनेशन चल रहा था, टेलमेसार्टन 40 mg और एमलोडिपिन 5 mg। इस पर भी पेशेंट का ये टैबलेट लेने के बाद पेशेंट का कॉन्स्टेंट बीपी 180/100, 180/100, 160/100, 170/100 ऐसा कॉन्स्टेंटली बीपी रेज्ड ही रह रहा था फ्रेंड्स, ठीक है। इसलिए हमने सब डायबिटिक्स वगैरह ट्राई किए, डायबिटिक्स देने के बाद भी उसका बीपी कम नहीं हो रहा, और बीटा ब्लॉकर्स के देने का सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ऐसे पेशेंट में टेलमिसार्टन और एमलोडिपिन देखे भी कवर नहीं हो रहा, और पेशेंट को कुछ इसी में चेंजेस नहीं थे, इसी में पेशेंट की यूरिन में कुछ प्रॉब्लम नहीं था, मतलब कुछ भी एसोसिएटेड सेकेंडरी हाइपरटेंशन का उसको कॉज कोई नहीं था, या फिर भी पेशेंट कैसा है लॉन्ग स्टैंडिंग हाइपरटेंशन पे था, और टेलमिसार्टन एमलोडिपिन ये ग्रुप का कैसे जनरली धीरे धीरे से कुछ ड्रग्स का रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है और पेशेंट का आदत गिर जाना, इसलिए पेशेंट को बीपी मतलब ब्लड प्रेशर कंट्रोल में नहीं रह रहते हैं टैबलेट लेने के बाद भी।
फिर हमने क्या किया फ्रेंड्स, ये अपराजोसिन हमने 5 mg में स्टार्ट किया, फ्लाजोसिन 2.5 mg में सबसे पहले इनिशियल डोज एचएस से स्टार्ट किया, फिर उसको धीरे धीरे 2.5 mg ओडी में मॉर्निंग में स्टार्ट किया फ्रेंड्स। इसे वो स्टार्ट करने के बाद बीपी एकदम पेशेंट का सिस्टोलिक बीपी 140 और डायस्टोलिक 90 पे आ गया फ्रेंड्स। ठीक है, ये प्राइजेशन की अच्छी तरह से एक केस थी जो लेडीज थी, ठीक है, जो ठीक है ऐसे पेशेंट में प्राइजेशन वगैरह अच्छी तरह से वर्क करता है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी हम लोग देखते हैं मेथिल डोपा। मेथिल डोपा एक स्पेशल ड्रग है हाइपरटेंशन में, ठीक है। मेथिल डोपा जनरली देखा जाए तो वीक ड्रग है हाइपरटेंशन कवर करने के लिए, लेकिन ये प्रेगनेंसी में जो हाइपरटेंशन वगैरह रहता है ना, इसमें अच्छी तरह से वर्क करता है पीआईएस वगैरह पेशेंट में। ठीक है, मेथिल डोपा 250 mg वीडियो और टीडीएस में भी दे सकते हैं। ये वीक ड्रग, ठीक है, क्या है वीक ड्रग है, बट क्या करता है पेरिफेरल वेसल्स को डायरेक्ट करता है, ये भी डायरेक्ट है पेरिफेरल वेसल्स। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड इन पीआईएस प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन ऐसे पेशेंट में ये यूज होता है फ्रेंड्स। मेथिल डोपा जनरली यूज करते हैं एंड इट इज 100% सेफ। हमारे गायनेकोलॉजिस्ट है ना, सबसे पहले प्रेफरेंस है पीआईएस पेशेंट में मेथिल डोपा ही देते हैं। ठीक है, ये अच्छी तरह से वर्क करता है। ये हो गया फ्रेंड्स, अभी तो हमने बीटा ब्लॉकर्स देख लिए, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर देख लिए, बाद में एसी इनहिबिटर्स, एंजियोटेंसिन सेकंड एंटागोनिस्ट, ये डायबिटिक्स देख लिया। अभी इसको स्पेशल ड्रग्स अल्फा ब्लॉकर्स में प्राजोसिन और हमने मेथिल डोपा ये ड्रग अभी तक हम लोग फ्रेंड्स देखे हैं। फ्रेंड्स कई बार क्या होता है पेशेंट का समझो बीपी कंट्रोल करने के लिए हमें कई बार कॉम्बिनेशन ड्रग्स भी देने पड़ते हैं, और कॉम्बिनेशन ड्रग्स कौन से देने हैं कौन से नहीं देना अब हम लोग अभी तक हमने देखे फ्रेंड्स। ठीक है, इसलिए कॉम्बिनेशन थेरेपी भी हाइपरटेंशन ट्रीट करने के लिए, एंटी हाइपरटेंशन में कॉम्बिनेशन थेरेपी भी अच्छी तरह से वर्क करती है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, एक मजेदार केस बता देता हूँ मैं एक आखिरी में। ठीक है, हाइपरटेंशन हमने अभी तक देखा है, उसके साथ अभी एक केस देख लेते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, हमारे आईपीडी में एक ओल्ड लेडी एडमिट थी, हमारे आईपीडी में कैसे ओल्ड लेडी मतलब उसका एज कितना है 70 है। ठीक है, 70 ईयर्स फीमेल है, 70 ईयर्स फीमेल, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है। ठीक है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है 10 साल से। ठीक है, उसको डायबिटिक वगैरह नहीं है। ठीक है, डायबिटिक नहीं है, नो हिस्ट्री ऑफ डीएम, लेकिन हाइपरटेंशन की 10 साल से होगी सर हाइपरटेंशन। और टैबलेट कौन सी ले रही थी, वो टैबलेट टेलमिसार्टन ले रही थी। ठीक है, टैबलेट टेलमिसार्टन 40 mg प्लस मेटोप्रोलोल 12.5 mg ले रही थी। ठीक है, ये कैसे लेडी 70 साल की है, नॉन केस ऑफ हाइपरटेंशन है, और क्या ले रही है हाइपरटेंशन के लिए टेलमिसार्टन 40 mg प्लस मेटोप्रोलोल 12.5 mg ले रही है। ठीक है, ये ओल्ड एज और नो हिस्ट्री ऑफ डायबिटिक है, हिस्ट्री उसको डायबिटिक वगैरह नहीं है, हमने बीएसएल चेक किया उसकी भी बीएसएल नॉर्मल थी। ठीक है, इसका एज 70 है। ठीक है, और ये इसमें क्या इंडिकेट क्या करता है फिर, एज 70 एज में टेलमिसार्टन 40 mg दे रहे हैं और मेटोप्रोलोल 12.5 mg, मेटोप्रोलोल यूज हो रहा है एज 70 में, तो फिर इसका क्या है फ्रेंड्स, ये इसको हिस्ट्री हो सकती है आईएचडी की। ठीक है, आईएचडी की हिस्ट्री हो सकती है, क्योंकि ओल्ड एज 70 में ये बीपी कंट्रोल के लिए करने के लिए बीटा ब्लॉकर्स नहीं दे रहे फ्रेंड्स इसमें। ठीक है, बीटा ब्लॉकर्स नहीं दिया था इसमें बीपी कंट्रोल करने के लिए, ये क्या होता है मेटोप्रोलोल फिर जो आईएचडी पेशेंट है ना, जो वर्कलोड कम करता है कार्डिया का, इसलिए मेटोप्रोलोल वर्कलोड कम करने के लिए आईएचडी जैसे पेशेंट में मेटोप्रोलोल मतलब बीटा ब्लॉकर्स यूज करते हैं फ्रेंड्स। इसलिए हमें ध्यान में आया कि इसको मतलब आईएचडी वगैरह हो सकता है, इसलिए हमने पेशेंट का ईसीजी निकाला। ईसीजी में क्या था, लैटरल वॉल इससे में आता। ठीक है, लैटरल वॉल इसी में था, और पेशेंट का बीपी है ना कॉन्स्टेंटली 200/100, 180/100, ऐसे कॉन्स्टेंटली पेशेंट का बीपी रेज रह रहा था। ये टैबलेट लेने के बाद भी, टेलमिसार्टन 40 mg और मेटोप्रोलोल 12.5 mg टैबलेट लेने के बाद भी पेशेंट का बीपी कॉन्स्टेंटली इतना रह रहा है, तो हमें कैसा है कि हमें जरा सा इस पर कॉशियसली वर्क करना पड़ा। ठीक है, कॉशियसली वर्क करना पड़ा, ईसीजी हमने निकाला, ईसीजी में क्या है लैटरल इससे में आया है, बाद में हमने यूरिन और यूरिन एग्जामिनेशन की, यूरिन और किडनी फंक्शन टेस्ट किए, किडनी फंक्शन टेस्ट में यूरिया था 14.2 और क्रिएट था 1.12। ठीक है, मतलब नॉर्मल है, केएफटी नॉर्मल है, लेकिन यूरिन में कैसे अल्ब्यूमिन प्लस थे। ठीक है, यूरिन में अल्ब्यूमिन प्लस थे और आरबीएस जनरली कितना 121 थी। ठीक है, मतलब पेशेंट को डायबिटिक नहीं है। हमने ये भी किया, फास्टिंग बीपी भी करके देखी, फास्टिंग बीपी भी पेशेंट की कैसे नॉर्मल थी। ठीक है, फास्टिंग बीपी भी पेशेंट की नॉर्मल है, लेकिन यूरिन में कैसे अल्ब्यूमिन प्रेजेंट थे फ्रेंड्स। ठीक है, यूरिन में अल्ब्यूमिन प्रेजेंट थे, इसलिए हमने सिलेक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंशन क्या स्टार्ट किया फिर, सिलेक्शन ऑफ पेशेंट का बीपी कवर नहीं हो रहा, इसलिए हमने कैसे क्या किया फिर,
जब पेशेंट का 200/100 बीपी था, इसलिए स्टैट में मीकार्डिया तब तक क्या कहते हैं हमने, मीकार्डिया रिटार्ड 20 mg स्टैट में लिया, तो बीपी उस टाइम के लिए कम हो गया, ठीक है, उस टाइम के लिए थोड़ा सा बीपी कम हो गया। बाद में लेकिन पेशेंट को इतना बीपी रहता है 200/100, 180/100, इतने बीपी भी पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं है, मतलब हेडेक नहीं है, वोमिटिंग नहीं है, कोई भी सेरेब्रल कंप्रेशन के एपिसोड्स वगैरह उसके कुछ साइन सिम्टम्स, गिडनेस वगैरह उसका कुछ साइन सिम्टम्स नहीं है, मतलब पेशेंट का बीपी 200/100 ये कई दिनों से पेशेंट टॉलरेट कर रहा है, मतलब पेशेंट को कैसे इतने बीपी की आदत गिर गई है, ठीक है, पेशेंट की इतने बीपी की आदत गिर गई है। पेशेंट को कुछ भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कुछ कोई भी, मतलब हमने चेक किया था सेकेंडरी हाइपरटेंशन में कोई भी चांसेस नहीं थे, पेशेंट तो प्राइमरी हाइपरटेंशन ही है, लेकिन क्या है पेशेंट को इल ट्रीटेड है। थोड़ा सा हिस्ट्री डिटेल में लेने के बाद पता चला कि पेशेंट प्राइवेट कभी लेती थी कभी नहीं लेती थी, ये पेशेंट कैसा होगा फिर इल ट्रीटेड हाइपरटेंशन हो गया, ठीक है, इल ट्रीटेड पेशेंट हाइपरटेंशन हो गया, इसलिए पेशेंट को कैसे एलमेसाटर का यूज़ नहीं हो रहा था, इसलिए हमने क्या किया फिर फ्रेंड्स, मीकार्डिया तब तक के लिए मीकार्डिया रिटार्ड 20 mg स्टैट में दिए थे, बाद में उसकी यूरिन एग्जामिनेशन वगैरह करने के बाद एल्बुमिन प्रेजेंट आई, तो फिर पेशेंट को हमने डायरेक्ट टैबलेट सिलाकार्टी ऐड किया, क्या किया सिलाकार्टी, ये कॉम्बिनेशन थेरेपी में दे दिया हमने फ्रेंड्स, ठीक है। सिलाकार्टी में क्या है, सिलनीडिपिन, सिलनीडिपिन 10 mg प्लस टेलमिसार्टन, टेलमिसार्टन 40 mg, ये ओडी में स्टार्ट किया मॉर्निंग आवर्स में, ठीक है, सिलनीडिपिन 10 mg और टेलमिसार्टन 40 mg स्टार्ट कर दिया, और हमको ईसीजी में इसी हार्ट डिजीज तो है, जैसे हमें मेटाप्रोलोल भी स्टार्ट करें, इसलिए मेटाप्रोलोल भी कैसे मेटाप्रोलोल भी कंटिन्यू की, मेटाप्रोलोल 12.5 mg ओडमी ये भी कंटिन्यू किया फ्रेंड्स, ठीक है, और सिलाकार्टी और इसमें और मेटाप्रोलोल स्टार्ट किया, इसलिए पेशेंट का जो बीपी है ना वो बाद में हम लोग बीपी जरा सा 7 दिन के अलग जरा मॉनिटरिंग बीपी मॉनिटरिंग की, तो पेशेंट का बीपी धीरे 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 करके 200 से जनरली 200 से धीरे धीरे 160 या 90, 150 90 140 90, अभी पेशेंट का बीपी जनरली इस चीज से 140/90 ऐसे में ये पेशेंट टॉलरेट कर रहे हैं फ्रेंड्स, ठीक है, धीरे धीरे एक हफ्ते बाद पेशेंट का बीपी 140/90 में आ गया फ्रेंड्स। इसलिए हमें सिलेक्शन ऑफ एंटी हाइपरटेंशन ड्रग कैसे करने हैं ये सब हमें धीरे अच्छी तरह से ध्यान में रख के अच्छी तरह से वर्क करना है फ्रेंड्स, ठीक है, हमने समझो अच्छी तरह से वर्क कर ले तो कई सारे ऐसे पेशेंट थे कि हम लोग अच्छी तरह से उसका हाइपरटेंशन ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए पेशेंट को सबसे पहले डाइट मैनेजमेंट से पूरा पेशेंट के हैबिट मैनेजमेंट तक पूरा चीज़ें हमें अच्छे तरह से देख के देना पड़ता है फ्रेंड्स, ठीक है, इसलिए हमने हाइपरटेंशन का ट्रीटमेंट अच्छी तरह से देख के अच्छी तरह से फ्रेंड्स हाइपरटेंशन ट्रीट करना है पेशेंट, ठीक है, थैंक यू।